नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊं, मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। और ये हरियाणा पुलिस की वर्दी कह रही है, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। अगर आपका सपना हरियाणा पुलिस में लगना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ये डिटेल वीडियो होने वाली है। आप सोचोगे 4 से 5 मिनट की वीडियो है, डिटेल मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, कट ऑफ कितनी रहेगी, कट ऑफ कम क्यों रहेगी या ज्यादा क्यों रहेगी, भर्ती कितनी है, हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है, सभी पर बात करेंगे। डिटेल में देखना है तो कट ऑफ विद फैक्ट, ये सारी चीजें हैं। विद नोटिस बताऊंगा कितने हजार फॉर्म भरे गए हैं। कोई भी काम करो, जय मां सरस्वती और जय शनि जी महाराज का नाम लेकर किया करो, आपका काम बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आज हम है ना डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सभी बच्चों के लिए एक जरूरी सूचना है। सर, बच्चे पूछ रहे हैं, सर इसका नया बैच है क्या? तो इसका नया बैच आ गया 799 रुपये। ये 799 फीस रहेगी आपकी, केवल 1 7 जुलाई तक ये फीस रहेगी, इसके बाद इंक्रीज होगी। इस बैच में क्या है, पूरा का पूरा सिलेबस आपका क्रेश कोर्स टाइप का ये रहेगा, पूरा का पूरा ये बैच लाइव प्लस वीओडी बैच रहेगा। इसमें ना सारी की सारी क्लासें लाइव रहेगी और सारा का सारा बैच साथ में आपको रिकॉर्डेड भी दिया जाएगा। इसमें भारतीय न्याय संहिता या जो भी नई चीज है, सारा का सारा सिलेबस इसके अंदर किया जाएगा। 7497 4007 पे आप इनरोल कर सकते हो। आज से इसका लिंक एक्टिव हो गया है और इसकी मंगलवार से आप से क्लासें शुरू हो जाएगी। 799 रुपये में ये कोर्स है। और हरियाणा पुलिस में ना जो बच्चे पहले लगे हुए हैं ना, आप 6000 में बच्चे जो मेरे भाई बहन लगे हुए हैं ना, उनसे पूछ कर बेच लेना कि प्रदीप सर वे उनकी टीम में कैसे पढ़ाती है। एक सिंगल सिंगल बच्चे से जो आपके रिलेशन में लगे हुए, उनसे पूछ कर बेच लेना, अदरवाइज मच लेना। 7497 4007 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले ना इसके डिटेल एनालिटिक इसका करते हैं, क्या क्या चीजें रहेगी, कट ऑफ पर लास्ट में बात करेंगे। ये प्यारे बच्चों, आपको सभी जो सीईटी क्वालिफाई है बच्चे है ना, वो उन सभी बच्चों को ये फॉर्म भरना है। थोड़ी ब्राइटनेस चेक कर लेना, ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे, 29 तारीख से ये फॉर्म है, मतलब आज से ऑनलाइन भरने शुरू हो गए हैं और ये 8 तारीख तक है भरे जाएंगे, यानी 29 जून से लेकर 8 जुलाई तक है भरे जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, 29 जून से 8 जुलाई तक है भरे जाएंगे। अब इसमें ना टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल है ना 5000 वैकेंसी रहेगी मेल की और 1000 मेरी छोटी बहनों की वैकेंसी रहेगी। 5000 में ना ESM यानी जर्नल की 1800 रहेगी, SC की 900 रहेगी, BCA की 1700 सॉरी 700, BCB की 400, EWS की 500, ये एक्स सर्विसमैन जर्नल की 350, SC की 100, ESM BCA की 100, ESM BCB की 150 और ये फीमेल कॉन्स्टेबल की जर्नल की 360, SC की 180, BCA की 140। ये सारी की सारी डिटेल जीके भाई प्रदीप सर के ऑफिशियल टेलीग्राम पर डाल दिए बेटा, वहां से आप फ्री नोट्स भी ले सकते हो। अब मेन तो है ना, इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपके पास केवल +2 होनी चाहिए, +2 बेस्ट जॉब है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। मैट्रिक में हिंदी और हिंदी विद ये कुछ विद हिंदी और संस्कृत AS1 और दोनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा वेटेज कैंडिडेट को हायर एजुकेशन का नहीं मिलेगा। पहले वाली भर्तियों में 20-20 नंबर मिलते थे, इस बार तो 2.5 नंबर है ना एक्स्ट्रा, वो भी हटा दिए गए हैं। पे स्केल है 21700 से, यानी Level 3 की पोस्ट है। ये कहने को 21700 है, अच्छी और भी आपको ज्यादा मिलेंगे। एज 18 से 25 है, इसमें ना 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ये देखो 3 ईयर, तो इसका कहने का मतलब है बेटा, इसमें ना जो आपकी एज हो जाएगी, जर्नल की एज कितनी हो जाएगी, 18 से लेकर आप 25 में 3 जोड़ दो 28 है, और अदर की कौन सी हो जाएगी, 28 से 30 थी उनकी, 28 से 33 हो जाएगी अदर कैटेगरी की, जनरल की 18 से 28 हो जाएगी। यानी जिसने ये तो एज की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही, क्योंकि जिसने पहले फॉर्म भर रखा है, नए तो फॉर्म भरे ही नहीं जाएंगे, और जिसका CET क्वालिफाई है उसी के हिसाब से ये चीजें होगी। और इसमें ना पहले फिजिकल के लिए तो बेटा चांस है 10 गुना बुलाए, लेकिन ना मेन एग्जाम में नॉलेज टेस्ट में केवल 4 गुना को बुलाया जाएगा। ये क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है,
पहले इसमें बताया गया है कि पहले है ना हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन सेल इनवाइट ये नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑफ द बेसिक ऑफ मेरिट ऑब्टेंड बाय देम इन सीईटी हो चुका है, तो इसकी तो बात ही नहीं है। अब आपका क्या होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर पीएसटी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और ये क्वालिफाई नेचर के होंगे। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मे डू सो इन द सच नंबर ऑफ बैचेज इन डेम्स नेसेसरी सो एट शॉर्टलिस्टेड क्वालिफाई कैंडिडेट इक्वल टू 4 टाइम। यहां दिया गया बेटा केवल 4 गुना को मौका दिया जाएगा, लेकिन कोशिश तो की जा रही है कि सभी को मौका मिले, लेकिन इसमें तो 4 गुना का कहा गया है नॉलेज टेस्ट के लिए। फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, इसको लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसमें कितनी हाइट रहेगी, कितनी चेस्ट। ये देखो कैंडिडेट की मैं बता देता हूँ, पीएसटी के लिए 2.5 किलोमीटर की रनिंग है, आपको 12 मिनट में करनी है। कितनी है, 2.5 किलोमीटर की। मेल कैंडिडेट के लिए, मेरी बहनों के लिए 1 किलोमीटर की 6 मिनट में है, और एक सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर की 5 मिनट में रहेगी, ठीक है। तो इसमें मेन मेन ये चीजें हैं, और अब आपको नॉलेज टेस्ट है ना ये 94.5 नंबर का रहेगा, और इसमें ना ऑल द कैंडिडेट है ये इसमें साढ़े और मतलब एक्स्ट्रा 2.5 खत्म कर दिए गए हैं। और इसमें बताया गया है बेटा फॉर बीइंग सिलेक्शन अगेंस्ट अपोज जनरल कैंडिडेट है हु हैज टू सिक्योर मिनिमम 50 मार्क्स इन द नॉलेज टेस्ट। वही है सीईटी वाला, जनरल के लिए 50 और एससी के लिए 40% है ना नॉलेज टेस्ट में भी होने चाहिए। अब है ना एक्स्ट्रा 3 मार्क केवल एनसीसी वाले कैंडिडेट को, यानी एक्स्ट्रा 3 मार्क मिलेंगे। 94.5 का एग्जाम होगा, 3.5 ये 97.5 में को आप 100 मान लीजिए, उसी हिसाब से रिजल्ट बनेगा। 2.5 नंबर हटा दिए गए हैं। अब देखो 94.5 का टेस्ट होगा, और जिसके पास एनसीसी का ए बी और सी सर्टिफिकेट है, गेट एक, ए वाले को 1, 2 वाले, बी वाले को 2 और सी वाले को पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी वाले को 3 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अब इसमें यह भी कहा गया है द टेस्ट पेपर सेल इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ जर्नल स्टडीज। इसकी ना मैं एक अलग से, आप कहोगे तो इसकी क्या क्या पूछा जाएगा सिलेबस, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। जर्नल स्टडीज, जीके, जर्नल साइंस, करंट अफेयर, जर्नल रीजनिंग, मेंटल मैथ, रीजनिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रेलिवेंट फील्ड, ट्रेड यानी आईपीसी, सीआरपीसी या भारतीय न्याय संहिता आएगी। देयर विल बी एट लीस्ट 10 क्वेश्चन रिलेटेड टू द बेसिक कंप्यूटर के 10 आएंगे, और 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आएंगे। द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम सेल बी एज एक्सपेक्टेड फॉर एजुकेटेड पर्सन हैविंग यानी +2 तक का आपका सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। पैटर्न ऑफ एग्जाम द क्वेश्चन सेल बी कंपलसरी क्वेश्चन पेपर सेल बी बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में होगा, और ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन ये एग्जाम है नहीं होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपको गलत आंसर के, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 यानी 100 एक क्वेश्चन 0.945 नंबर का होगा, ठीक है, क्योंकि 94.5 का नॉलेज टेस्ट है, इसको आप 100 मान सकते हो, और 3 नंबर एनसीसी के मिलेंगे। देन 9.45 मार्क्स ऑफ ईच वन अटेम्प्ट क्वेश्चन सेल बी ड्यू डेट। तो इसमें मतलब क्या है कि आपको नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो एक अलग से ना 5वां कॉलम दिया जाएगा, तो उसको फिल करना जरूरी होता है। ना किया जाए तो उस कंडीशन में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, क्योंकि वो है ना कहीं पहले पेपर में होता था, लोग बाद में भरवा लेते थे, इसलिए वो है। ए कैंडिडेट हैज टू फिल 1 ऑप्शन कंपल्सरी आउट ऑफ 5 ऑप्शन, एक्स्ट्रा 5 मिनट आपको दिए जाएंगे। इफ कैंडिडेट डज नॉट नो द आंसर टोटल टाइम अलाउड बाय द पेपर विल बी 105 मिनट टोटल टाइम दिया जाएगा। रिजर्वेशन की इसकी में पॉलिसी आपको पता ही है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हाइट और चेस्ट की, हमें दौड़ की बात कर ली। लास्ट में सारे बच्चे ये पूछते हैं सर इसमें मेन है ना हाइट और चेस्ट की क्या क्या चीजें रहेगी। ये देखो सारा इसमें दिया गया है कि टाइप ऑफ सारी चीजें दी गई है, ये टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा। मेन तो इसमें ना ये आपका एक गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस का ना ये प्रोफॉर्मा दिया गया है, ये है ना आपको जमा मतलब वो ऑनलाइन आप करवा दोगे, जो जिसके पास ईडब्ल्यूएस है उसी के लिए दिया गया है, ठीक है। अब इनकम मीन्स इनकम फॉर ऑल सोर्सेस, इसमें सारी चीजें ऐड हो जाएगी। अब मेन है ना इसमें सारी चीजें, ये मेन आपका यहाँ से जो सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा, इंस्पेक्टर नहीं है, सब इंस्पेक्टर नहीं है, हेड कौन, अब कॉन्स्टेबल का
अब यहाँ से हमारी चीजें शुरू होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है द कैंडिडेट मस्ट पास्ट प्लस टू ऑफ इट्स इक्विवेलेंट, कोई प्लस टू के इक्विवेलेंट डिग्री है तो भी चल जाएगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड और कैटेगरी हिंदी संस्कृत अप टू मेट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन, इसमें कोई किसी कईयों के डाउट है सर मैंने एम ए कर रखी है, ठीक है, एम ए इंग्लिश से कर रखी है या मैंने और भी बी एड कर रखी है, तो आपने कुछ भी कर रखा हो मान ले प्लस टू है ना, वो और एम ए इक्विवेलेंट रहेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। पहले एक्स्ट्रा मार्क्स दिए थे इसमें ना एनसीसी के ना नेशनल कैडेट कोर के कैंडिडेट के 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे और सारे नंबर समाप्त कर दिए गए हैं। वैसे देखा जाए ना बेटा ये अच्छी चीज है, पहले 20-20 नंबर दिए जाते थे, अब एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। हाँ, ये आवाज जरूर हमें उठानी चाहिए कि सभी को, क्योंकि हरियाणा सरकार कहती थी हर साल 6,000 भर्तियां करेंगी और कम से कम 4 साल निकाल दिए, या तो ये पोस्ट बढ़ा दें या सभी को मौका मिले। सीटी हुआ ही नहीं, तो एक बार जो ना दे पाया गलती से उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो इस पर भी आवाज उठाएंगे। अब मेल की हाइट है ना 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की, और 83 सेंटीमीटर उनका मतलब सीधी 83 और फुलाव के साथ है 87 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड, ठीक है। नॉर्मल 83 और चेस्ट को फुलाव 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 87 होनी चाहिए, और इसमें दिया गया है बेटा रिजर्व 81 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर, ये आपकी ना सबसे ये दी गई है हाइट और चेस्ट में ना, इसमें ना दोनों चीजें आपकी यहाँ से देख सकते हो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये हाइट हो गई, ये चेस्ट हो गई, इसमें 170 सेंटीमीटर और 83 और 87 हो गई, ठीक है। और इसमें ना जर्नल में मेल की 168 सेंटीमीटर फॉर इलिजिबल रिजर्व कैटेगरी, ठीक है, यानी इसमें ऐसी कैंडिडेट के लिए या जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 2 सेंटीमीटर कम भी चलेगी, जर्नल की 170 और उनकी 168, और चेस्ट जर्नल की 83 से 87 और कैटेगरी में 81 और 85 चाहिए, ठीक है। फीमेल की केवल 158 सेंटीमीटर की जर्नल कैटेगरी में चाहिए, 158 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, और 156 है ना ये कैटेगरी की मतलब उनकी हाइट होनी चाहिए कैटेगरी में जो एससी से बिलोंग करती है, ईडब्ल्यूएस या कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करती है, 156 सेंटीमीटर फॉर इलिजिबल रिजर्व, यानी जर्नल की कोई छोटी बहन है तो 158 सेंटीमीटर और कैटेगरी से है तो 156 सेंटीमीटर, और इनकी चेस्ट नहीं मापी जाती। एक बार हुआ था तो उसमें विवाद हो गया था, चेस्ट इनकी हमारी बहनों की इसमें जरूरत नहीं है, फिजिकल मेजरमेंट एज सेल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ठीक है। इसमें ये कहा गया है द सुटेबल रिलैक्सेशन इन मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड में बी ग्रांटेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग, तो इसमें ना जो डीजी के पास ये पावर रहेगी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास है, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इसमें पावर दी गई है अलग से, ठीक है। और इसमें ना एक सर्विसमैन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी ले रहे इन फिजिकल स्टैंडर्ड टू बी द एक्स ऑफ ए 1 इंच इन हाइट एंड 1 इंच इन चेस्ट मेजरमेंट सेल बी गिवन, ये दिया जा सकता है एक सर्विसमैन को और शेड्यूल कास्ट को, ये सारा का सारा परफॉर्मा था। अब है ना एग्जाम की अगर मैं बात करूँ ना, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट है कितने फॉर्म भरे गए हैं वो भी हमें बातें करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो फॉर्म है ना लगभग बेटा 90,000 के से कम से ये सुनने में आया है 85,000 फॉर्म डाले गए थे। अब री एडवर्टाइजमेंट होने से ना 5,000 फॉर्म और बढ़ सकते हैं। गुरुजी 5,000 बढ़ेंगे कैसे? ये इसलिए बढ़ सकते हैं, हो सकता है उस टाइम है ना कोई बच्चा है ना गलती से उसके मतलब मन में था कि मैं 56-57 में लग जाऊंगा या किसी में उस टाइम भरा ना हो, तो वो बच्चे यहाँ पर आएंगे तो अब आराम से ना 5,000 मान के चलो तो 90,000 से ऊपर फॉर्म में नहीं भरे जाने, बुलाया कितना जाएगा 6,000 का लगभग 60,000 बच्चों को इसमें बुलाया जाएगा। और फिजिकल कब होगा? ये 8 तारीख दी गई है तो बेटा एक हफ्ता और जोड़ दो, 15 तारीख के आसपास 15 जुलाई, ठीक है, हरियाणा में ट्री डे होता है, ब्रिक्स दिवस होता है, फतेहाबाद झज्जर 15 जुलाई को बने थे, तो 15 जुलाई के बाद आपका फिजिकल 100% जुलाई में हो जाएगा, और एग्जाम है ना अगस्त के लास्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा, और हो सकता है परमपिता परमात्मा ने चाहा तो सितंबर में आपकी जॉब भी लग जाए। अब कट ऑफ की बात करूंगा, कट ऑफ कम या ज्यादा क्या रहेगी? सबसे पहले हमारे फौजी भाइयों की बात करता हूं, फौजी भाई जिनका भी ना सीटी क्वालिफाई है ओनली, तो उनका ना
क्या होगा, उन सभी का नंबर आ जाएगा जो क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया है, तो वो अगर उन्होंने किया है तो उसका नंबर आ जाएगा। जर्नल के ना इसमें ना 54 से 56 के बीच, यानी जर्नल का 50% जितना है ना, वो अगर किसी भी जर्नल में कैंडिडेट के 55 से 56 के बीच में नंबर रहेगा। और नॉलेज टेस्ट के लिए इसमें, क्योंकि बाद में फिजिक पीएसटी होगा, पीएमटी होगा, क्योंकि अब तो 10 गुना को बुलाया जाएगा। और इसमें भी मैं बताता हूँ बेटा, क्योंकि हमारी बहनें होती है ना, वो फिजिकल में बहुत सी बाहर हो जाती है, तो जिस भी बहन का अगर सीईटी क्वालिफाई है ना, तो उसके लिए बहुत बेटर चांस रहेंगे वो आगे फर्दर एग्जाम में जाने के। मैं आप बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत सी बहनें है ना फिजिकल में बार हो जाएगी, और लड़कों के फिजिकल में ये बार होने के चांस कम होते हैं। और लेकिन ये आर्मी वगैरह की भी तैयारी करते हैं, लेकिन बहुत से लड़के ना इस फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो फिजिकल की तैयारी है ना आपको बहुत अच्छे से ज्यादा करनी होगी, दिन रात आज से मेहनत करोगे ना तो हो जाएगा। तो 90 में से 60,000 बच्चे का फिजिकल होगा, और 60 में से मान के चलो ये क्लियर कर पाएंगे ना, आधे तो इसमें फिजिकल में ही बार हो जाएंगे, तो मानकर चलो इसमें 30 से 40 हजार, सारे आधे नहीं मानेंगे तो कम से कम 40 हजार के आसपास हम कह सकते हैं 60 में से होगा। और उसमें 40 हजार बच्चे एग्जाम देंगे, और उसमें से ना बेटा आपका कैटेगरी का 4 गुना बुलाया जाएगा, 40,000 पास करेंगे और उसमें 24,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो फिजिकल का रोल बहुत बड़ा इसमें अपने आप में हो जाएगा। अब एक जर्नल की ना 54 से 56 के बीच में, बीसीबी की 52 से 56 के बीच में, ईडब्ल्यूएस और इसके कट ऑफ बराबर होती है बीसीए की 51 से 53 के बीच में, एससी का पर्सन है तो 48 से 50, यानी 54 से 56 जर्नल आ गया, तो इससे एक एक दो दो नंबर कम है कर देना। वही है जो हमारी बहनें हैं उनकी जर्नल में 52 से 56 और कैटेगरी में एक एक दो दो नंबर कम कर देना। तो इसमें ना अब बच्चे बुक की कह रहे हैं, हरियाणा पुलिस की बुक है ना अगले हफ्ते में आ जाएगी, अगले हफ्ते में हरियाणा पुलिस की पूरे इसे जो भारतीय न्याय संहिता, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सारा का सारा उसमें पूरे एग्जाम को, ये 94.5 नंबर का एग्जाम है उस पर आधारित है। बुक लिखने इतने टाइम से क्लास से क्यों नहीं ली, बुक की ही तैयारी कर रहे थे, तो वो आ जाएगी। और उस बुक को मैं यूट्यूब पर भी आपके लिए सोल्यूशन मैं उसका प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जीके भाई प्रदीप सर को सब्सक्राइब कर लेना, मंडे से ना डेली आपके लिए क्लासेज होगी। और भी इसके अलावा हो सकता है कोई डाउट आपका रह गया हो तो आप बता देना, मैं आपके हर डाउट को क्या कर लेने की कोशिश करूंगा, दूर करने की कोशिश करूंगा। अब आपसे ना मैं कहूंगा बेटा 2.5 महीने है ना, आप 2 से 2.5 महीने का टाइम है, 2.5 महीने है ना, 75 डे चैलेंज यूट्यूब पर वायरल हुआ था अंकित भाई का, तो 75 डे चैलेंज है ना आप हमारे साथ करोगे ना तो सिलेक्शन जरूर होगा। तो ये 799 में बेच है, 74978 4004 पे कॉन्टेक्ट करके आप बेच ले सकते हो। मिलकर मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, क्रेश कोर्स है 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट के 10 से 15 दिन आपके रिविजन करवाई जाएगी, इसी में ना आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो यही, और भी कोई आपका अगर डाउट है ना आप कमेंट छोड़ देना, मैं उस पर एक वीडियो और कॉमन बना दूंगा। सभी बच्चे ये कमेंट जरूर करना कि कट ऑफ है ये सही रहेगी या आपके हिसाब से क्या रह सकती है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।